हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल इस वीडियो में मैं इंस्टॉल करूंगा प्रोजेक्ट रेडियंट कस्टम रोम ऑन एक्स थ्री प्रो सो काफी सारे कस्टम रोम रिलीज हुए हैं पिछले कुछ दिनों में पोको एक्स थ्री प्रो के लिए मैं स्क्रॉल कर रहा था कि तभी मुझे प्रोजेक्ट रेडियंट रोम दिखी काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये रोम इस रोम के मैंने कुछ स्क्रीन देखे उसमें भी काफी इंप्रेसिव लग रही है रोम बट मैं खुद इस रोम को ट्राई करके देखना चाहता हूँ अगर प्रोजेक्ट रेडियंट के एक्सडीए पेज पे, पे आए तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा है कि प्रोजेक्ट Radiant इज़ अ कस्टम ROM एमिंग टू be वी मेक make our फीचर्स वी मेक make our own UI. ये बात मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि काफ़ी कस्टम रॉम्स सिमिलर से होते हैं एक दूसरे से सो so, इस वजह से भी मैं ये रॉम ट्राई करना चाहता था क्योंकि मुझे पर्सनली कस्टमाइजेशन करना काफ़ी पसंद है मैं प्रोजेक्ट रेडियंट की टेलीग्राम ग्रुप की और एक्स पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप और इस रोम के फीचर्स के बारे में जान सकते हो और रोम फाइल भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो सो so, इंस्टॉलेशन के लिए सिर्फ प्रोजेक्ट रेडियंट की रोम फाइल चाहिए गूगल एप्स उसमें इंक्लूडेड है आप चाहे तो एम आई फर्मवेयर फ्लैश कर सकते हो अगर आप लेटेस्ट फर्मवेयर चाहते हो तो सो so, इस समय मैं पिक्सल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन एंड्रॉड ट्वेल्व वाली रोम यूज कर रहा हूँ सो फिलहाल एंड्रॉइड ट्वेल्व कस्टम रोम्स में इंक्रिप्शन का प्रॉब्लम है जिससे आप टी में इंटरनल स्टोरेज एक्सेस नहीं कर सकते तो अगर आप भी एंड्रॉयड ट्वेल्व वाली कस्टम रोम यूज़ कर रहे हो तो फाइल को एच कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं या जैसे मैं यहाँ एक पेन ड्राइव यूज़ करूँगा जिसे ईजिली ओ से फाइल एक्सेस कर सकते हैं रोम इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर sure कि फ़ोन की बैटरी एटलीस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट चार्ज है सारे गूगल अकाउंट एम अकाउंट अगर आप एम आई पे है तो फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड रिमूव करें और सारे फाइल्स का बैकअप लेके रखें क्योंकि रोम इंस्टॉल करने के बाद फॉर्मेट डेटा करना है सो so, अब इंस्टॉल करते हैं प्रोजेक्ट रेडियन कस्टम रोम सो फोन को स्विच ऑफ करेंगे स्विच ऑफ होने के बाद फ़ोन को टी डब्ल्यू आर पी में बूट करेंगे उसके लिए पावर प्लस वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करते रहेंगे जब तक टी डब्ल्यू आर पी लोगों दिख ना जाए टी डब्ल्यू आर पी मेन्यू में आने के बाद अगर आप वाइप में डेलविक डेटा एंड कैश सिलेक्ट करके स्वाइप टू वाइप करेंगे तो वो फेल्ड होगा ये आई थिंक एंड्रॉयड ट्वेल्व रोम्स का ही प्रॉब्लम है तो so, सेफ्टी के लिए मैं पहले ही फॉर्मेट डेटा करूँगा पर आप डायरेक्टली रोम फाइल फ्लैश करके फिर फॉर्मेट डेटा कर सकते हो फॉर्मेट डेटा होने के बाद होम बटन पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल में जाएंगे प्रोजेक्ट रेडियंट रोम फाइल को लोकेट करके सिलेक्ट करेंगे फिर स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश सो रोम यहाँ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद जस्ट टू बी सेफ मैं एक बार और फॉर्मेट डेटा करूंगा सो होम बटन पे क्लिक करेंगे फिर वाइप में जाएंगे फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करेंगे यस yes, टाइप करके एंटर करना है फॉर्मेट डेटा होने के बाद रीबूट सिस्टम पे क्लिक करना है सो कुछ ही सेकेंड्स के बाद प्रोजेक्ट रेडियंट बूट एनिमेशन आप देख सकते हो सो so, हमेशा की तरह मैं इस रॉम को कुछ दिनों के लिए यूज़ करूँगा और रिव्यू वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा सो so, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए एनी वे दैट्स इट फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग आइज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय